हेलो एवरीवन, दिस इज नीता एंड वेलकम टू माय चैनल कुक विद दिवसे। आज मैं आपके साथ साबूदाने के दही वड़े की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि आप व्रत के समय खा सकते हैं। जब भी आप फास्ट रखते हैं उस समय की ये रेसिपी है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू कर लेते हैं साबूदाने के दही वड़े की। साबूदाना का दही वड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप सोक्ड किया हुआ, ओवरनाइट सोक्ड किया हुआ साबूदाना। इसको मैंने रात भर भिगो के रखा था। साथ ही लिया है एक स्वीट पोटैटो, इसको मैंने पहले से ही उबाल लिया है। तो अब स्वीट पोटैटो का क्या करेंगे, छिलका हटा लेंगे और अच्छी तरह से इसको, स्वीट पोटैटो को मैंने प्रेशर कुकर में 2 सीटी तक पका लिया था, उबाल लिया था। तो ये आप देख सकते हैं छिलका मैंने हटा लिया। इसको हल्का सा तोड़ते हुए, रफली ऐसे हाथों से ही तोड़ते हुए एक ग्राइंडिंग जार में ऐड करेंगे इस तरह से, क्योंकि इसको बारीक पीसना है और सबको एक साथ साबूदाने को भी। तो इस तरह से तोड़ के डालेंगे तो ईजिली ये पीस जाएगा, लम्स नहीं रहेगा। तो हल्का सा तोड़ दें स्वीट पोटैटो को और फिर इसमें से पानी निकाल कर साबूदाने को डालेंगे, पानी हटा देंगे और फिर इसमें सारे के सारे साबूदाने ऐड कर देंगे। सोक्ड जरूर करें साबूदाने को इस रेसिपी के लिए, क्योंकि ये काफ़ी ईजिली पीस जाता है। अगर रॉ करेंगे तो वो रफ कोर्सली ये होगा, दरदरा पीसेगा। तो इस तरह से हमें इसमें ऐड कर लेना है सोक करके ग्राइंडिंग जार में। ग्राइंडिंग जार में इसके बाद मैंने ऐड किया आधा छोटी चम्मच से जीरा, अखा जीरा, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक, सेंधा नमक ऐड करें, क्योंकि ये व्रत के लिए बन रहा है तो मैंने सेंधा नमक का यूज़ किया है। तो इसमें अपने टेस्ट के अनुसार सेंधा नमक ऐड करके इसको बहुत ही फाइन पेस्ट बना लेना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें कंसिस्टेंसी यही रहनी चाहिए, तभी ये वड़ा बन पाएगा। ज़्यादा पानी उसमें पानी डालकर नहीं पीसें, जो हम साबूदाने का पानी होता है उसी से पीस जाता है। मैंने एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया ग्राइंडिंग जार से और उसको साइड में रख दिया। अब दही को फेंट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम के करीब दही लिया है। इसको एक बाउल में ऐड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच चीनी। तो यहाँ पर मैंने चीनी पाउडर यूज किया है, चूँकि चीनी पाउडर ही मेरे पास था। आप वैसे रेगुलर चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको डाल लें यहाँ पर। अगर आप चीनी नहीं खाना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं, तो ये स्किप कर सकते हैं, दही को ही सिर्फ फेंट लें, या फिर दही में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल सकते हैं नमकीन बनाने के लिए। तो यहाँ पे हल्का सा जिस बर्तन में दही मैंने रखा था उससे थोड़ा सा उसमें 2-3 चम्मच पानी डालकर इस तरह से समेट लिया सारे दही को और इसमें दही में मिला दिया। और इसको अब बहुत अच्छी तरह फेंट लेंगे, स्मूथ कर लेंगे। इससे क्या होता है, चीनी भी घुल जाता है और दही का टेक्सचर जो है काफ़ी स्मूथ हो जाता है। तो दही वड़े के लिए परफेक्ट टेक्सचर है दही का। मैंने फेंट लिया दही को और साइड में रखा। नेक्स्ट क्या करेंगे, एक पैन गरम करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे और फिर इसमें ऐड करेंगे थोड़े से तेल, मतलब बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, चूँकि हमें वड़े को ना डीप फ्राई नहीं करना है, उसको इस तरह से सैलो फ्राई करेंगे। तो हमें इस यहाँ पे 2 चम्मच तेल लेकर मैंने पैन को बहुत अच्छे से गर्म होने दिया तेल को, और जब तेल हल्का सा गर्म हुआ फिर इसमें ऐड किया इस तरह से वड़े के शेप में। ये जो हमने पेस्ट बना के रखे थे साबूदाने के, इस तरह से हमें बनाकर और इस पे ऐड करते जाना है पैन में। यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम रख सकते हैं, मैंने लो टू मीडियम रखा है फ्लेम को, चूँकि सेकना है दही वड़े को यहाँ पे। फिर इसके बाद थोड़ा सा मैंने कम कर दिया, क्योंकि ये नीचे से काफ़ी सेट हो गया है, तो मैंने फ्लेम को कम कर दिया और इस तरह से पलट कर इसका एक टिक्की बना लेंगे। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, बहुत अच्छी बन जाती है। तो यहाँ पे वड़ा बनाते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो हमने वड़े बनाए हैं ना, तो ये एक बनाते समय जब इसका पेस्ट डालेंगे ना, तो एक दूसरे को चिपका के नहीं रखें, नहीं तो साबूदाने का जो टेक्सचर होता है थोड़ा सा स्टिकी होता है, तो ये टिक्की क्या है ना, एक दूसरे से चिपक जाती है, तो फिर उसको उलट पुलट करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो इस तरह से अलग अलग एकदम थोड़ा डिस्टेंस में टिक्की को रखेंगे पैन में, तो काफ़ी इजीली उलट पुलट करके हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सुनहरा ब्राउन हो गया है कलर टिक्की का, तो इस स्टेज पे हमें बाहर निकाल लेना है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी बन गई। फिर से सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए फिर से जो बाकी बचे पेस्ट हैं साबूदाने के, उसके टिक्की बना लेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं मैं थोड़ा डिस्टेंस में रख रही हूँ इसीलिए, ताकि ये चिपके नहीं, नहीं तो ये काफ़ी स्टिकी होता है, चिपक सकता है।
तो इस तरीके से हमें सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए हमें दूसरा बैच भी तैयार कर लेना है। यहाँ पे अगर तेल कम पड़े तो और ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा। जब ये नीचे से सेट हो जाए, अच्छी तरह पक जाए, तभी पलटें, नहीं तो आप देख सकते हैं थोड़ा दिक्कत होता है। सॉफ्ट रहता है तो वो प्रॉपर हम नहीं पलट पाते हैं, वो टूटने लगता है। तो नीचे से अच्छे से लाल होने दें तभी पलटें। तो इस तरह से हमें दूसरा बैच तैयार कर लिया हमने। गैस को ऑफ कर दिया और इसको भी हम निकाल लेंगे, टिक्की को बाहर। बहुत ईजी प्रोसेस है। आप चाहिए तो ये टिक्की बना के फ्रिज में रख सकते हैं और मतलब जब खाना होगा तब निकाल के इसको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कटोरी में इस तरह से सर्व कर रही हूँ, मतलब इसके ऊपर अब मीठी वाली जो दही हमने तैयार की थी उसको ऐड कर देंगे। और इस रेसिपी में जो जो भी इंग्रेडिएंट मैंने डाले हैं, अगर आपको लगे कि व्रत में नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, और अगर जो जो आप खाते हैं अपने पसंद से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैंने मीठी दही डालने के बाद यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर और जीरा पाउडर भुना हुआ उसको थोड़ा सा ऐड कर दिया इस तरह से, और ऊपर से लाल मिर्ची पाउडर अलग से थोड़ा सा भी ऐड कर दिया। इस तरह से हमारा ये साबूदाने का दही वड़ा व्रत वाली रेसिपी बनकर तैयार है। इसको आप नवरात्रि के समय व्रत कर जो भी करते हैं वो खा सकते हैं बना के। ऐसे काफ़ी हेल्दी होता है, ईजी है और बहुत अच्छी रेसिपी है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।